नमस्कार दोस्तों, लर्निंग नेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे थे, उसमें हमने तीन चैप्टर्स को अपने समाप्त कर लिया था, जिसमें हमारा लास्ट चैप्टर जो था अपशिष्ट पदार्थ तथा उसके निस्तारण हम लोग पढ़े थे। आज हमारा अगला चैप्टर है जल। जल वो जो जल चैप्टर है वो आपका एनसीईआरटी से भी है, एनसीईआरटी से भी है और एससीईआरटी से भी है। यानी कि हम जो जल चैप्टर है वो हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे और एससीईआरटी से भी पढ़ेंगे, यानी कि मिक्स पढ़ेंगे। सीटेट के लिए भी, यूपीटेट और सुपरटेट के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम जरा जल। तो जल क्या है? जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र H2O होता है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन के दो अणु तथा ऑक्सीजन के एक अणु होते हैं, ठीक है। दोनों के संयोग से ये बना हुआ है, हाइड्रोजन के दो अणु के और ऑक्सीजन के एक अणु के संयोग से ये बना हुआ है, ठीक है। और सामान्य दशा में बात करें तो जो आपका जल होता है वो क्या होता है? वह एक द्रव होता है, ठीक है। जबकि आप जानते ही हैं H2 यानी कि हाइड्रोजन का दो अणु और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों गैसें हैं। तो कह सकते हैं कि जो आपका जल है उसके दो गुण आपने देख लिए, एक गैसी अवस्था और एक द्रव वाली अवस्था आपने देख लिया, ठीक है। तो होता क्या है, ये जल जो है वह एक द्रव पदार्थ है। अगर इसको उबाला जाए ये क्या बन जाता है? ये वाष्प बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर इसको वाष्प को फिर ठंडा भी किया जाए तो ये क्या हो जाता है? फिर ये जल बन जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लाने की, तो इसको हम उबाल के अगर उसको 500 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर अगर इसको उबालें तो इसके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो हमको प्राप्त क्या होता है? H2 और O2 हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें भी हम इसको तोड़ सकते हैं, जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ सकते हैं। फिलहाल ये सामान्य बातें इसकी थी। बात करते हैं जल के स्रोत। तो जो जल है वो आपकी पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में है, ये ठीक है। जो जल है वो आपके लगभग सभी प्राकृतिक चीज़ों में, हवा, मिट्टी, चट्टान, पौधे और जितने प्राणी हैं जगत में उस सब के अंदर जल पाया ही जाता है। अगर जल नहीं तो प्राणी नहीं, और जल बिना जीवन नहीं, ठीक है। पृथ्वी की लगभग 70% आबादी पर क्या होता है, मतलब 70% जो पृथ्वी है हमारी है उसका 70% 3/4 भाग पे जल ही जल है, ठीक है। जल जो होता है वो हमारे तीनों रूपों में पाया जाता है। तीन रूप कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ये हमारे द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, बस किसी भी वस्तु की तीन अवस्थाएं होती हैं, या वो ठोस में होगा, या तो वो द्रव में होगा, या तो वो गैस में होगा। इसी प्रकार हमारा जल भी होता है। जल ठोस कब होता है? जब वो बर्फ होता है, जानते ही हैं। द्रव कब होता है? जब वो जल पानी होता है।
और गैस कब होता है? जब वो वाष्प या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये बर्फ़ कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो ऊंचे स्थान होते हैं, जो ऊंचे स्थान होते हैं, ठीक है, जैसे ध्रुवों पर ये क्या होता है? बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। समुद्रों, झीलों, नदियों, तालाबों आदि में ये जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और ये गैस के रूप में आपके कह सकते हैं वायु में जल वाष्प जो होता है, गैसीय अवस्था होती है। ठीक है, बाकी आपके वायु तो है ही, पानी वगैरह। ठीक है, जीवधारी जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनके शरीर में 60% जल होता है, 60% जल होता है, जबकि मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है। यहाँ तक कि जो आपके रक्त होते हैं ना, रक्त ब्लड, वो आपके शरीर में जल उपस्थित हैं, इसीलिए जो आपके ब्लड हैं वो संचरित होते हैं, नॉर्मली संचरित होते, चलते हैं, वो जा पाते हैं। अगर आपके शरीर में जल नहीं होता तो क्या होता? जैसे नीचे जब खून गिर जाता है आपका, तो क्या होता है? सूख जाता है ना, थक्के पड़ जाते हैं ना, उसी तो वैसा ही हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए जरा कुछ एक टेबल बना लेते हैं ज़रा, या ऐसे बता देते हैं आपको कि कैसे 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 कितना कितना जल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। जैसे महासागरों में अगर जल जो है उसका 100% लिया जाए, 100%, तो महासागर जल जल होते हैं, जो खारा होता है बहुत ज़्यादा महासागर में, तो 97.2% महासागर में ही जल पाए जाते हैं, जिसे हम महासागरीय जल भी कहते हैं। ठीक है, उसमें लवणों की उपस्थिता बहुत ज़्यादा होती है, जिसके बहुत खारा नमकीन होता है, पीने योग्य नहीं होता। ठीक है, दूसरा समुद्र होते हैं, समुद्र और खारी झील, मतलब उसका पानी क्या होता है? खारा ही होता है। ऐसे लगभग 0.008% हमारे पृथ्वी पे मौजूद है। भूमि से तो घिरे हैं ये भूमि से तो घिरे हैं, लेकिन ये खारे पानी का है। ठीक है, बात करें अगर ग्लेशियर की, जो कि हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाते हैं, ध्रुव पर पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये बर्फ़ होते हैं। कितने होते हैं? 2.15%। ठीक है, फिर बात करते हैं भूगर्भ में उपस्थित पानी। अच्छा, ये भूगर्भ में उपस्थित पानी होता कैसे है? जैसे जो बारिश होती है ना, तो क्या होता है? बारिश जो होती है वो भूमि पे गिरती है पानी, और धीरे धीरे वो पानी रिसता रहता है, रिसते पहुँच के भूमिगत हो जाता है, उसी को हम भूगर्भित जल कहते हैं। ठीक है, ये कितना उपस्थित है? तो 0.625। ठीक है, अगला बात करते हैं तो नदियों और मीठे झीलों का पानी, झीलों का जल, तो कितना है? 0.0091%। ठीक है, फिर बात करते हैं वायुमंडल में कितना परसेंट है? 0.001%, जो आपका जल वाष्प होता है ना, वही आपका वायुमंडल में मौजूद होता है। ठीक है, बात करते हैं अन्य भंडारण में बात करते हैं तो 0.0069%, और ये आपका 100% पूरा हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, बात करते हैं भूमिगत जल की। आज जो हम लोग जल चैप्टर है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिला के पढ़ रहे हैं, यानी कि सीटेट और यूपी टेट, सुपर टेट सबके लिए है। और जल का जो चैप्टर है वो हम 2 दिन में ख़त्म करेंगे,
2 दिन में समाप्त हम करेंगे, ठीक है। भूमिगत जल क्या होते हैं? तो वर्षा या पिघलन से, बर्फ के पिघलन से, ठीक है, जो जल का जो भाग है वो धरातल पर बहने लगता है, आता है ना धरातल पे, तो होता क्या, जब धरातल बहता है तो वो भाप न बनकर, अगर उस पर ताप नहीं पड़ता है तो भाप न बनकर वो ज़मीन के अंदर रिसता रहता है, ज़मीन के अंदर रिसता रहता है और रिस कर ये अंदर भूमिगत हो जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है, ठीक है। जब भूमि के अंदर चला जाता है जल वो, तो उसी को हम कहते हैं भूमिगत जल, भूमिगत जल। और इस प्रक्रिया को, अंदर जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अंतःस्पंदन, अंतःस्पंदन कहते हैं, ठीक है। अब ये रिश्ता कैसे है? अब जो धरातली जल है, जो धरातली जल है, जो कि धरातल पर बहता है, ठीक है, उसके अगर कुछ अंश चट्टान पे चले जाएं, चट्टानों पे अगर रहें, बारिश चट्टानों पे हो रही है, तो जो चट्टान है उसमें भी कुछ ऐसे चट्टान होते हैं जिसमें जो जल होता है वो रिसता है, वो रिसता है और रिस के अंदर जाकर हमारे पाताल तोड़ कुएं का निर्माण करता है, पाताल तोड़ कुएं का निर्माण करता है। कौन सा जल? धरातलीय जल कहाँ होता है? चट्टानों पर। कुछ चट्टान ऐसे होते हैं जिसमें से जो पानी होता है, जो जल होता है, वो रिसता है, रिस रिस कर नीचे चला जाता है, जो नीचे जाकर पाताल तोड़ कुएं का निर्माण करता है। और वहीं वहीं कुछ जल ऐसे, कुछ चट्टान ऐसे होते हैं जिन वो उसके अंदर पानी रिस नहीं पाता, ठीक है। तो होता क्या है, चट्टानों के अंदर अंदर ही पानी बहने लगता है, चट्टानों के अंदर अंदर पानी बहने लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये दो तरह का चट्टान आपका हुआ और दो तरह का जल प्रवाह हुआ, ठीक है। और चट्टान के जो हैं वो दो अलग अलग गुण भी हुए, एक जो पानी को रिसाता है और एक जो पानी को प्रवाहित करता है, ठीक है। चलिए आगे जरा देख लेते हैं, जल के सामान्य प्रकार, जल के सामान्य प्रकार, ठीक है। तो जल को हम कठोर, कठोर एवं मृदु दोनों में बांट सकते हैं, मृदु दोनों में बांट सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगर कठोर जल की, बात करते हैं अगर कठोर जल की, तो कठोर जल वह जल होता है जिसमें साबुन के साथ अगर करें मैक्सअप होने की, ठीक है, झाग उत्पन्न करने की, तो उसमें झाग उत्पन्न नहीं होता। अगर उसको हम साबुन के साथ मिलाएं उस जल को, ठीक है, तो झाग उत्पन्न नहीं होता सरलता से और शीघ्रता से, होता ही नहीं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कठोर जल कहते हैं। आपने क्या सीखा, कठोर जल क्या होते हैं? जब उसको साबुन के साथ जल को मिलाया जाता है, साबुन के साथ मिक्सअप किया जाता है, ठीक है, तो झाग उत्पन्न नहीं करते, झाग उत्पन्न नहीं करते सरलता से, ठीक है। तो क्या होते हैं, वो कठोर जल होते हैं, ठीक है। जबकि मृदु जल कौन से होते हैं? मृदु जल अगर उसको साबुन के साथ मिलाया जाए, साबुन के साथ तो मिलाया जाए, तो वो काफ़ी झाग उत्पन्न करते हैं, काफ़ी झाग उत्पन्न करते हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो जल होते हैं वो कठोर क्यों होते हैं, कठोरता के उसके कारण क्या है। तो जल की जो कठोरता होती है, जल की जो कठोरता होती है वो उसमें विशेष जो लवण होते हैं वो घुले होते हैं, जैसे
आपके कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइका कार्बोनाइट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट, इस सब की वजह से जल क्या होता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, अब बात करें उसमें कौन सी चीज़ें घुली हुई हैं। उस घुलनशीलता के आधार पर भी हम उसको दो भागों में, दो प्रकार की होती है वो, अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता। ठीक है, अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता दो भागों में उसको हम बांट सकते हैं, उसमें क्या चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, चलिए इसको हम बड़े पैमाने पर देखेंगे अगली वाले क्लास में। ठीक है, कठोरता को दूर करने की क्या विधियां हैं, कठोरता को दूर करने के लिए क्या विधियां हैं। ठीक है, तो कठोर, पहले तो ये जान लीजिए कि कठोर जल हो जो होता है वो कपड़े की धुलाई करने, ठीक है, उद्योग में जो प्रयोगशालाएं होती हैं उसमें बहुत ही दिक्कतें पैदा करता है, हो नहीं पाता है कठोर जल से। ठीक है, तो उसको क्या बनाना पड़ता है, उसको हमको बनाना पड़ता है मृदु जल में, इसको चेंज करना पड़ता है। और चेंज कैसे करेंगे, अरे जो उसको कठोर बना रहा है जो चीज़ें, वो क्या करें, उसको हम हटा दें, उसको हटा कर हम उसकी कठोरता को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला विधि है कि इसको हम क्या करें, उबाल दें, उबाल दें। उबालने से तो क्या होता है, हर चीज़ शुद्ध हो जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो अगर जल को हम उबाल देते हैं तो उसकी जो अस्थाई कठोरता है जैसे उसमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुल जाने के कारण जो होती है ना, तो वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, विघटित होता है, जो वो ख़त्म होकर विघटित हो जाता है, वो क्या होता है, विघटित हो जाता है। ठीक है, और जाके जहाँ उबाल रहे हैं उसकी पेंदी में जाके बैठ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, उसको छान कर जो कठोर जल है उसको उबाल दिया, जो उसके चीज़ें हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम उस जाके पेंदी पर बैठ गए, फिर क्या करेंगे, उसको हम छान देंगे, और छानने से क्या होगा, हमको मृदु जल प्राप्त हो जाएगा। अभी क्या करेगा, अब साबुन मिलाने पे ये झाग उत्पन्न करेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यार दूसरा विधि, दूसरी विधि क्या है। दूसरी विधि होती है चूना जल मिलाकर, चूना जल मिलाकर। जल में अगर उचित मात्रा में, सही मात्रा में चूना जल घोल दिया जाए, ठीक है, उसको मिला दिया जाए, तो जो जल में घुले हुए कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट चूना जो तत्व हैं वो क्या होंगे, चूने जल से जब प्रतिक्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होने के साथ वो अविलेय हो जाते हैं। ठीक है, अविलेय हो जाते हैं, अब वो चेंज हो जाते हैं हाइड्रा ऑक्साइड में। ठीक है, जिससे होता क्या है कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो चीज़ें हैं, जो तत्व हैं, वो फिर जाके पेंदी में ही बैठ जाएंगे। अब बैठने से क्या होगा, फिर इसको हम छान लेंगे, हमारे कठोर जल जो उबाले थे, जो चूना मिलाए थे उसको छान लेंगे, और छानने से क्या होगा, हमको मृदु जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम पेयजल की। आपको याद ही होगा ये आया था आपके पेपर में, पेयजल। तो पीने योग्य पानी क्या होता है, कौन सा पानी हम पी सकते हैं, तो जो पेयजल होता है, जो पीने योग्य पानी होता है उसी को हम पी सकते हैं। तो उसमें कई सारा दिया था, आसुक्त जल, ये जल, वो जल, बहुत सारा दिया हुआ था। ठीक है, तो पेयजल होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वच्छ,
स्वच्छ और पारदर्शक होता है, मतलब आर पार दिख सकता है, ठीक है। और ये जीवाणुओं से मुक्त होता है, अशुद्धियों से मुक्त होता है, ठीक है। इसमें कुछ खनिज जुड़े होते हैं, इसमें कुछ खनिज जुड़े होते हैं, घुले उसमें कुछ घुले रहते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, हमारे लिए लाभकारी होते हैं, ठीक है। और जो जल को स्वादिष्ट बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, देखते हैं ना, कहीं कहते हैं कि आप यहाँ पे जल अच्छा नहीं है, कोई कहीं जगह बहुत यहाँ पे बहुत अच्छा जल है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पानी, कहते हैं ना, तो वो आपके खनिजों के मिले घुलने के कारण ही होता है, ठीक है। सामान्यतः जो जल होते हैं हमारे कुएं में या नलकूपों से ही प्राप्त होते हैं, ऐसे वाले जल जो पीने योग्य होते हैं, ठीक है। अतः इसको हम शुद्ध नहीं करते, शुद्ध हम नहीं करते, उसकी पड़ती ही नहीं है। लेकिन अगर ये प्रदूषित हो तो क्या होगा, वो भयानक रोगों का रूप ले लेते हैं, जैसे टाइफाइड, कालरा, पेचिस, ठीक है, ये सब हो जाता है। तो अगर आपका जल शुद्ध नहीं है तो क्या करेंगे, उसको शुद्ध बनाएंगे, उसको शुद्ध बनाएंगे, आवश्यकता हो जाएगी उसकी बनाने की, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उबाल देते हैं, उसको उबाल देते हैं, और लगभग आधे घंटे आप उबाल दीजिए उसको, फिर उसको क्या करिए, ठंडा छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए, और फिर उसका उपयोग करिए, वो आपके लिए शुद्ध जल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए ब्रश क्लास यहीं हम रोकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे जल के आगे वाले चैप्टर को लेकर के। चीज़ें आपकी परीक्षा उपयोगी हैं तो आप चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने मित्रों को आमंत्रित करें हमारे चैनल को, हमारे चैनल को, और आगे बढ़ाया जा सके और आप लोगों के और उपयोग आ सके, आपके लिए उपयोगी बन सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।